हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो, आई होप सब अच्छे होगी। गाइस आज वीडियो हम बात करने वाले हैं सैमसंग m21 2021 एडिशनल सिम एंड जीमेल कॉन्टैक्ट शो। यानी गाइस आपने फोन परचेज कर लिया और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपके जो कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने अपना न्यू फोन था उसको न्यू फोन अपनी सिम जैसे डाली, आपके कॉन्टैक्ट वो शो नहीं हो रहे हैं। तो आज की वीडियो हम आपको कंप्लीट सेटिंग बताने वाले हैं। उससे पहले गाइस आपको क्या करना, आपको अपने ओल्ड फोन में चेक कर लेना है, ऐसा तो नहीं आपके जो ओल्ड फोन है उसमें आपके कॉन्टैक्ट रह चुके हों, आपके जीमेल वगैरह पर रह चुके हों, तो आपने जीमेल भी इसमें रजिस्टर कर देनी है और फोन में कॉन्टैक्ट हो आपको सिम में अपने फोन कॉन्टैक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो सिम इस फोन में डाल देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस हमें एक प्रॉब्लम आता है भाई, हम बोलते हैं कि हमारे फोन में ना सेटिंग सेम नहीं है, कि हमारे फोन में सेटिंग सेम नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे प्ले स्टोर पर आ जाना है। एक गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाया, गूगल जो भी चीज़ बनाता है एकदम फर्स्ट क्लास बनाता है। तो गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप इस एप्लीकेशन से आएगी आपके फोन में ना ही आपको कोई हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। ये कॉन्टैक्ट एक एप्लीकेशन गूगल ने बनाया है, गूगल LLC यही लिखा होना चाहिए, और जस्ट उससे डाउनलोड करके ओपन कर देना है आपका। जैसे उसे आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद गाइस देखो आपको थोड़ी परमिशन देनी पड़ेगी, येलो वगैरह करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ परमिशन दे दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका। यहाँ पे ना इस बंदे ने पहले से इस बंदे के मैंने जो नेटवर्क यहाँ पर ठीक कर दिए थे, और गाइस इसमें मैंने अपनी ID भी डाल दी थी कि इससे मैं जो मेरी ID थी उसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पर रिव्यू करके दिखा दूँ। यानी कि जैसे मैं अपनी ID मैनेज करूँगा, देखो सेकंड ID पर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। अब जैसे मैं गाइस अब उसके बाद एक और ID डाली हुई है, इसमें इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें नो कॉन्ट इन दिस अकाउंट, यानी इस अकाउंट में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो कैसे यहाँ पे अपने जो कॉन्टैक्ट वगैरह हैं अपने ईमेल पे भी एक बार चेक कर लेना है। ऐसा होता है कि हम सिम में चेक करते रहते हैं, हमारे ईमेल पे कॉन्टैक्ट डले होते हैं, वो अपनी ईमेल चेक कर लेना है। हो सकता है आपने अपनी जो ईमेल है ओल्ड फोन वाली न्यू फोन में डाली नहीं हो, तो आपको पहले ओल्ड फोन में चेक कर लेना आपके जो कॉन्टैक्ट है कौन से में डले हुए हैं। अगर आपने न्यू फोन लिया है, कीपैड फोन है, तो आपको एक कीपैड फोन के हम फोन में स्टोरेज में भी सेव कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, वो भी आपको वहाँ पर देख लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पे साइड में क्लिक करना है सीडॉट पर, इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, चॉइस अकाउंट पर चूज अकाउंट बना, यहाँ पर अकाउंट चूज कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट मैनेज कॉन्टैक्ट के पास आपको मिलेगा इंपोर्ट का ऑप्शन। हालांकि सब हम फोन में हम करते हैं एक्सपोर्ट, बट इसमें हम करेंगे इंपोर्ट। यानी गाइस देखो sim 1 sim 2, यानी आपके जो भी सिम में आपके कॉन्टैक्ट है उस पर क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना है। जैसे मैं आप ओके कर दूंगा गाइस, मेरे जितने भी सिम में कॉन्टैक्ट थे, हालांकि मेरी सिम मैंने इसकी सिम पे भी डाल रखे हैं कॉन्टैक्ट, जीमेल पे भी कॉन्टैक्ट डाल रखे हैं, तो मैं आपको ये दिखाने के लिए मैं सारे के साथ तरफ मैंने अपने कॉन्टैक्ट फैला रखे हैं। हालांकि हमें अपने कॉन्टैक्ट हैं जीमेल सिम और यहाँ तक है कि अपने यहाँ पे डिवाइस में भी अपने सेव करके रखना चाहिए। और इस तरह से गाइस यहाँ पे मैं आप कर सकता हूँ। अब देखो एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ से जीमेल के भी एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, और इंपोर्ट करूँगा तो आपको इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंपोर्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से गाइस अपने पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके देखो जो सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे अगर शो हो जाते हैं, शो होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे देखो एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करोगे, साइड में 3 डॉट मिल जाएंगे, 3 डॉट पर जस्ट आपको क्लिक करना। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन आ जाएगा, पूरे पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ से ना देखो डिलीट के साथ में एक शेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, यहाँ से ना अपने पूरे पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो किसी के पास भी। अपना आपको अपना फोन यहाँ रिसेट वगैरह करना है, किसी भी कंडीशन आपको अपना फोन डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है, तो आपको ये पूरे शेयर से करके अपने किसी भी व्हाट्सअप या इन शेयर वगैरह किसी भी तरीके से अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करें वीडियो पसंद है, प्लीज़ सर भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस करना, तो टेक केयर, वंदे मातरम, बी माय डियर शूट फैमिली।